बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम बीएससी स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मिसेस अनीला यास्मीन। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रिपोर्ट। येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट अ रिपोर्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रिपोर्ट। द टॉपिक इज यू हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर अबाउट रिवर इन फ्लड। सो यू विल डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, have you visited the place, or what would be your suggestion about controlling the situation of flood in a particular city। to beta kal humne to ek jo apni report ki thi, aaj hum second report kar rahe hain report writing mein, jisme aapne ek newspaper editor ko letter likhna hai, report jisko aap kahenge report writing, aur aap usme describe karenge ki kis tarah daryaon mein tughyani ya flood aa gaya और क्या सूरत हाल थी, आपने ख़ुद जाके वहाँ पे विज़िट किया, क्या देखा आपने और उसकी रेमेडीज़ में क्या सजेशन आप दे रहे हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे आप उसी तरह टू लिखने के बाद एडिटर, फिर आपने न्यूज़पेपर का नाम देना है, फिर फ्रॉम आप रिपोर्टर हैं तो आपने उसी न्यूज़पेपर का नाम देना है जिसके एडिटर को आप ख़त लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट में रिपोर्ट ऑन अ रिवर इन फ्लड। अब आपने एक दरिया में जो फ्लड आया तो तुगयानी आई है उसके बारे में आपने डिटेल बतानी है कि किस तरह इर्द गिर्द का इलाका उससे इफ़ेक्ट हुआ। रिस्पेक्टेड सर, आई एम द अनफॉर्चुनेट विटनेस टू द फ्लड इन द रिवर रावी। तो ये रिवर रावी की बात हो रही है जहाँ पे ये फ्लड आया है। द रिवर वॉज फ्लडेड ऑल ऑफ अ सडन, इट स्प्रेड एंड कॉज्ड अ ग्रेट loss to lives and property, the detailed report is given below. So in the very first paragraph you will describe that you were one of those eyewitness who watched or witnessed all this happening of flood in a river. To aapne ravi ka zikr kiya hai aur aapne batana hai ki kis tarah kitna zyada nuksan hua lives ko aur properties ko। द रिपोर्ट में आप लिखेंगे लास्ट डेज देयर वर हैवी रेन्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ऑगस्ट, वाटर इन द रिवर रावी बिगेन टू राइज ऑल ऑफ अ सडन, विद इन अ फ्यू आवर्स इट एक्सीडेड 15 feet, देयर वॉज ग्रेट अलार्म इन द सिटी, ऑल देयर हाउसेज एंड ऑल द स्कूल्स एंड देयर कॉलेजेस वर क्लोज्ड, ऑल द पीपल वर and directed to leave their houses and reach safe places soon। so ये first paragraph है जिसमें आप बता रहे हैं कि एकदम पानी आया सडन, और ये इंडिया और पाकिस्तान में जो पिछले महीने में बारिशें हुई आपने उनका ज़िक्र किया, और फिर वो जो दरिया इंडिया से जाके कहीं कनेक्ट होते हैं वहाँ उन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ दिया जिससे रावी में वो फ्लड आ गया, तो तुगयानी आ गई, और चूँकि वो पहले से इन्फॉर्म नहीं थे लोग तो इसलिए जो लॉस लेवल था वो ज़्यादा हुआ, इंसानी जानों का भी और प्रॉपर्टी का भी। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए अचानक, और उसके बाद लोग भी जो थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। पीपल लेफ्ट देयर हाउसेस विद देयर बिलोंगिंग्स, ज़ाहिर है जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो लोगों की ये कोशिश होती है कि वो अपनी कीमती अशिया उठाएँ और वहाँ से निकल पड़ें। दे रीच सेफ प्लेसेस, द मडी वाटर स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, logs were floating fast, the trees all around with half of their trunks in water stood firm like unfolded umbrellas। ye badi acha ek image diya aapko, ek comparison diya ki kis tarah jo bade bade darakht the wo unfolded umbrellas like wo firm khade hue the, apni jagah pe maujood the। far below were floating the dead bodies of horses, cows, sheep and goats। aur jab is tarah ka flood aata hai to janwar apna bachao mushkil se kar sakte hain, और वो फिर क्या होते हैं कि वो उस पानी के साथ मुर्दा हालत में बहते हुए आगे आते हैं। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड एंड सो मैनी एनिमल्स डाइड, और फिर आप चूँकि आई विटनेस हैं आपने देखा कि बहुत सारे घर भी गिर गए, बहुत सारे जानवर भी मर गए। देयर वर मैनी स्नैक्स इन द फ्लड वाटर, बहुत सारा जो था पानी के अंदर सांप भी थे। मैनी पीपल डाइड ऑफ स्नैक बाइट, सून द रिलीफ पार्टीज एंड यूथ ऑफ पाक आर्मी केम टू रेस्क्यू अस। तो ये लोग जो थे वो जो हेल्पर्स होते हैं पाक आर्मी के नौजवान, वो सब हमारी मदद के लिए पहुँच गए। दे स्टार्टेड टू शिफ्ट द पीपल टू सेफ प्लेसेस,
और फिर उन्होंने लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट करने का उन्होंने काम शुरू किया. पीपल ऑफ द नेबरिंग एरियाज ऑल्सो रीच दे प्रोवाइडेड क्लोथ्स ब्लैंकेट्स फूड एंड मेडिसिन टू द फूड फ्लड स्ट्रिकन पीपल. दे इनक्रेज्ड दिस इनक्रेज दैम दे डिड नॉट फील लोनली दे वर एबल टू बेयर दैट ट्रबल विद करेज. मे अल्लाह सेव अस फ्राम सच क्लैमिटीज. तो ये सब लोगों को जब इमदाद मिल गई, पहुँच गए सब लोग मदद के लिए, तो दे फेल्ट ब्लेस्ड एंड दे थॉट दैट इट वॉज अ गुड थिंग फॉर देम दैट दे आर नॉट लोनली. सजेशन में आप देंगे, इसमें ये आपने रिपोर्ट लिख ली, अब आपने सजेशन देनी है. द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स टू कंट्रोल द फ्लड वाटर. इट शुड कंस्ट्रक्ट डैम्स एट रेगुलर गैप्स एंड इट शुड स्ट्रेस इंडिया नॉट टू रिलीज एक्स्ट्रा वाटर टू द रिवर्स flowing to Pakistan. It should warn the people about the danger of flood in time. So these were the suggestions which were made by the reporter who submitted some suggestion. First of all, you will submit a report and then you will give the reasons why the flood came. Then you will describe what happened when the flood came, what was the condition of the people, what was the situation of their houses. So then you will describe that how they were helped by different community or different people of the community, by Pak Army or rescue teams reached there. So after it you will give your suggestions how they were how you can control the situation like that when a flood comes in a river, what happens and what remedies should be taken for precautionary measures. So ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने डिस्क्राइब करनी है. आप अपनी आँखों देखा हाल किसी और जगह का भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने वो जगह मेंशन करनी है, नाम लिखना है दरिया का, रिवर का, और फिर आपने वो सिचुएशन लिखनी है. यू कैन चेंज द प्लेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यू कैन गिव अनदर नेम ऑफ एनी अदर रिवर. सो इट वॉज ऑल अबाउट राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन अ रिवर एंड फ्लड. सो नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस योर टेक्स्ट एसेज. सो यू विल ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक्स. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एसे and I will give you the questions which you would have to prepare for examination point of view. Now yesterday and today we talked about writing a report, and inshallah taala we will meet in the next week with our textbook. So do remember that you have give a pre-reading to your text as well. Kya ek dafa agar aap us chapter ko go through kar lenge, ek रीडिंग कर लेंगे, उसकी प्री रीडिंग जिसको कहते हैं, तो फिर वाइल रीडिंग में हमें बहुत आसानी होती है. एक एक हमारा इम्प्रेशन, एक कॉन्सेप्ट बनता है, चाहे वो ब्लर हो कॉन्सेप्ट, लेकिन वो हमें हेल्प करता है अपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में जो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद मिलता है. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट फॉर रीडिंग टेक्स्ट, बिकॉज ओरिजिनल टेक्स्ट इज़ द मेन थिंग विच गिव्स यू अ वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट the writer's philosophy or writer's point of view. So aapne pehle us text ko read karna hai. It will give you a clear idea about the text, and then you will discuss it with your teacher, or I will be there to discuss the points. I will explain each and everything. So inshallah taala after the vacations we would and discuss the next chapter or the prose writing. Do you know what we have to discuss in the next session? It is the lesson number in your book. It is the place of science in a liberal education. So go through this text and inshallah taala we will meet with the summary and the textual expression. We will discuss each and everything. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care and prepare these two reports which we discussed yesterday and today. And inshallah ta'ala in next week we will discuss our chapter. Okay, students. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.